हेलो फ्रेंड, आई एम शिव वर्मा फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर से। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है किसी भी सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ पिकनोमीटर। तो पिकनोमीटर एक ग्लास का फ्लास्क होता है या जार होता है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसके ऊपर में एक कोनिकल कैप लगी होती है। ये कोनिकल कैप ऊपर से ओपन होती है। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 500 ml का होता है। तो पिकनोमीटर बेसिकली किसी भी लैब में स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों टाइप के सॉइल, मतलब कोर्स और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके हेल्प से हम वाटर कंटेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए जो रिलेशन यूज़ किया जाता है वो है M2 - M1 डिवाइडेड बाई M2 - M1 - M3 - M4, जहाँ पर M1 जो है वो मास ऑफ एम्प्टी पिकनोमीटर होता है, M2 मास ऑफ पिकनोमीटर विथ ड्राई सॉइल होता है, M3 मास ऑफ पिकनोमीटर विथ सॉइल एंड वाटर बोथ होता है, और M4 मास ऑफ पिकनोमीटर फिल्ड विथ वाटर ओनली। यहाँ पर कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताते हैं। तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। यहाँ पर M2 - M1 करने पर हमें ड्राई सॉइल का वेट मिल जाता है या मास मिल जाता है, तो वो हो जाता है वेट ऑफ सॉइल। और M3 - M4 करने पर हमें मिल जाता है वाटर का वेट फॉर द सेम वॉल्यूम। वाटर का वेट फॉर द सेम वैल्यू निकालने के बाद उसको वैल्यू नीचे पुट करने पर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो सकती है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर में हम पिकनोमीटर को एम्प्टी रखते हैं और उसको वेट मशीन के ऊपर वेट कर लेते हैं, जिसका वैल्यू हम W1 ले लेते हैं या नोट कर लेते हैं। फिर सेकेंड कंडीशन में कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल, जिसका भी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में गर्म करके उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद कंटेनर में कुछ अमाउंट लेकर या पिकनोमीटर में हम कुछ अमाउंट लेकर उसको साथ में वेट करते हैं, जिसका वैल्यू हम W2 नोट कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करने पर हमें ड्राई सॉइल का वेट मिल जाता है, जो कि हमें पिछले इक्वेशन में दिख चुका है। अब अगला जो प्रोसेस है, इसमें हम इसी ड्राई सॉइल में वाटर फिल कर देते हैं, मतलब पिकनोमीटर को पूरी तरीके से ऊपर तक कम्प्लीटली भर देते हैं, और उसके बाद इसको वेट करते हैं। इसको हम नोट कर लेते हैं W3, और उसके बाद पूरे सॉइल को रिमूव कर लेते हैं अच्छे से साफ़ करके। फिर से पानी इसको फिल करते हैं, और पूरी तरीके से पानी से फिल करने के बाद इसका वेट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा W4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम W3 - W4 करते हैं तो यहाँ पर हमें वेट सॉइल का वेट मिल जाता है, और वेट सॉइल के वेट से अगर ड्राई सॉइल के वेट को अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल या सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें मिल जाएगा, जिसके हेल्प से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो हमारे प्रीवियस इक्वेशन में हम इसे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें और हमें काम आती हैं, या कुछ अप्लायंसेस जिसकी हेल्प से हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ये होते हैं वैक्यूम पंप और थर्मामीटर। थर्मामीटर बेसिकली टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए काम आता है, और वैक्यूम पंप जो होता है वो एयर रिमूवल के लिए काम आता है जब ड्राई सॉइल का वेट लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।